अच्छा बर्ड प्रॉन रह गए दो, सेम ही किस्म के हैं, थोड़ा सा फर्क है, दोनों करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज इन जीपी फ्रॉम 5,15,000 टू 15,45,000 इन 7 days। फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज एज्यूमिंग द रेट ऑफ इंक्रीज टू बी कॉन्स्टेंट। भाई होता है कि जब कोई नया बैक्टीरिया आता है ना, अभी कोरोना वायरस भी आया था, तो जो साइंटिस्ट हैं, जो भी लोग हैं, वो लेबोरेटरी में जरा टेस्ट करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, या जो भी वायरस है, मुझे इतना डिटेल में तो नहीं आता, लेकिन जितना पढ़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जरा टेस्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ने का मतलब ये है कि यार ये ग्रो किस तरीके से कर रहा है, मल्टीप्लाई किस तरीके से हो रहा है। एक तो होता है ना कि स्लो स्लो ये आगे मल्टीप्लाई होता जा रहा है, एक होता है एक्सपोनेंशियली बढ़ना। जैसे कोरोना जब वायरस आया था तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था। एक्सपोनेंशियल बढ़ने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप 2 का स्क्वायर करते हो, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होती है 16। अब देखो फर्क कितना ज्यादा होता जा रहा है, 2 की पावर 5 32। अब 32 के बाद 2 की पावर 6 करोगे तो 64, कितना बड़ा बड़ा गैप आ रहा है। हालांकि 2 के स्क्वायर और 2 के क्यूब में इतना गैप नहीं था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता ही है कि एक रैपिड इंक्रीज हो रहा होता है पूरा ये। तो आप चेक करते हो बैक्टीरिया का बिहेवियर कि वो ग्रो किस तरीके से हो रहा है, अच्छा किस माहौल, कौन सा ज्यादा माहौल उसको फेवर कर रहा है। जैसे र्यूमर आया था कि कोरोना वायरस जो है ये गर्मियों में खल में वर्क नहीं करेगा सही तरीके से, ऐसा इस टाइप का आता था। तो कहने का मतलब उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो इसी तरह एक लेबोरेटरी में ना एक एनवायरमेंट बनाया जाता है। एनवायरमेंट बनाने का मतलब कि किसी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन क्रिएट करके वो देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो जो कल्चर का वर्ड है ना, कल्चर का मतलब है कि माहौल बनाना पूरा बैक्टीरिया के लिए। तो ये चीज लिखी हुई था, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर, उन्होंने एक पूरा माहौल बनाया बैक्टीरिया के लिए, और उन्होंने फिर ये ऑब्जर्वेशन देखी कि जो बैक्टीरिया था शुरू में लिखा हुआ क्या था, इंक्रीज कहां से हुआ, स्टार्टिंग क्या थी 5,1,500, यहां से स्टार्ट हुआ था। एन टू कहां तक गया है, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया पहले कितने थे 5,15,000, और यहां से स्टार्ट होके कितने हुए हैं 15,45,000, कितने दिनों में, 7 दिनों में। देखो स्टार्ट उसने कहां से किया था, 5 लाख से, तकरीबन 5 लाख कर लो ना आप इसको, और 7 दिन के अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरिया 15 लाख, ऑलमोस्ट 15.5 लाख हो गए। ये आपको बोला गया, ये पूरा सवाल है। अब आपको बोला क्या है, फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि डेली रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, मतलब एक दिन में कितने बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कह लो कि 10% बढ़ रहे हैं, अगर अभी 5,15,000 थे तो अगले दिन 10% बढ़ जाएंगे, उससे अगले दिन मजीद 10% बढ़ जाएंगे। और उन्होंने बोला है कि बढ़ने की तादाद जो है वो कांस्टेंट है, कि अगर जीरो, अभी तो जीरो पे है ना, हम जीरो पे खड़े हैं, अभी दिन नहीं हुआ। उन्होंने बोला स्टार्ट आपने यहां से किया, पहला दिन जब खत्म होगा तो कंसिडर कर लो 10% आपका बैक्टीरिया बढ़ गया, अगला दिन जब खत्म होगा, दूसरा दिन खत्म होगा, तब भी 10% बढ़ेगा। तो जो बढ़ने की रेशो है ना, जो रेट है वो फिक्स है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पहले दिन 10% बढ़ रहा है, अगले दिन 15% बढ़ जाएगा, ना वो जीपी नहीं बनेगी ना फिर। तो जीपी बनने के लिए रेशो सेम होना चाहिए, कि रेशो का ही कॉन्सेप्ट है, आप मल्टीप्लाई करते जाओगे ना। तो ये सिचुएशन आपको क्यों है ना, तो आपको बोला हुआ है कि यहां से स्टार्ट किया था, यहां पे आप गए हो, तो बताओ यहाँ पे रेशो क्या है, सिंपल लैंग्वेज में, जिसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज उन्होंने बोला हुआ था कि रेट ऑफ इंक्रीज क्या है यहाँ पे, जरा मालूम करते हैं इसको। ये मालूम करने से पहले आपको बाकी बातें बतानी चाहिए, बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए, तब तो आपको समझ आएगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है परसेंट का निकालने का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं मेरे पास 50 रुपए हैं, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं आपको बोलता हूँ यार इसका 5% निकालो, तो क्वेश्चन बता सकता है कि 50 का 5% निकालेंगे कैसे, आंसर नहीं बताना, निकालेंगे कैसे 50 का 5%। 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50। एक्सीलेंट, आपने 50 का 5% निकाला है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 5/100 से, क्योंकि परसेंट को जब आप डेसिमल में लाओगे तो डिवाइड बाय 100 करना होता है, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, 5/2 आ जाएगा, मतलब 2.5। 50 का 5% क्या होता है, 2.5 होता है। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह आप लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हो ना, कि क्योंकि इस्लाम हमने बचपन से सुना ही है ना, खुद कभी पढ़ा तो है नहीं, तो इसलिए मैं सुनने का वर्ड यूज करता हूँ, पढ़ते तो माशाल्लाह नहीं है कि कभी बुक खोल के देख लेंगे इस्लाम में क्या लिखा हुआ है। तो बचपन से यही सुना हुआ ना कि जकात जो है वो 2.5% है, 2.5%। तो अगर आपको कोई बोले कि यार जकात निकालो, तो अगेन जकात निकालने में मैथ है आपकी कोई, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख रुपए हैं, नहीं तो 1 लाख हो गए ना, 10 लाख के लिए हम एक और जीरो लगा देते हैं। अच्छा इसमें भी एक चक्कर होता है,
ये लिखने का तरीका भी होता है जो पाकिस्तानी इसको इंडियन सिस्टम कहते हैं। इसमें आप ना पहली दफा तीन मतलब नंबर्स के बाद तीन डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हो, उसके बाद दो दो के बाद लगाते हो, लाइक इस तरीके से आप लगाओगे तो आप पढ़ोगे कैसे इसको 10 लाख पढ़ोगे। लेकिन जो बाहर का सिस्टम है ना उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इंग्लिश सिस्टम क्या लो ब्रिटिश सिस्टम जो भी है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम कॉमा लगाते हो आप। जैसे अब आप कॉमा यहाँ पे लगाओगे, पहली दफा भी तीन दूसरी दफा भी तीन, आप इस तरीके से पढ़ते हो और इसको 1 मिलियन कहेंगे, वहां पे लाख करोड़ इसका सिस्टम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपके पास अमाउंट है ना तो हम इसको कहते हैं 1 लाख, उनके यहाँ 1 लाख नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 है, वो कहेंगे 10,000, 20,000, 50,000, 90,000, फिर अगर ये अमाउंट होगी ना तो हम कहेंगे 1 लाख, वो कहेंगे 100,000, 1 लाख का बड़ा यूज नहीं होता। फिर 100,000, फिर 100,000 कह रहा हाँ, ये हो गया, पहले 100,000 थे, फिर अब 200,000, फिर 300,000, जैसे आपके पास ये अमाउंट बनेगी उसको कह देंगे 1 मिलियन। तो वो 1,000 से निकल के 1 मिलियन में जाते हैं, फिर इसको बढ़ाते जाएंगे, 1 मिलियन है, अच्छा ये जो है 2 मिलियन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आ जाए इसको पढ़ोगे आप 22 मिलियन, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट अगर 1,000 मिलियन हो जाए तो फिर वो 1 बिलियन के बराबर हो जाएगा। ये छोटा मोटा सिस्टम है, मैं क्या डिटेल में आप लोगों को समझाऊं, शौक हो तो आप लोग देख लेना। ये दो अलग अलग सिस्टम है जो दुनिया में आपको नजर आ रहे हैं। भारत कंसिडर कर लो आपने ज़कात निकालनी है, आपके पास कितने पैसे हैं। हम अभी अपने सिस्टम की बात करते हैं, ये वैसे 2 लाख है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम दो दो के बाद फिर कॉमा लगाते हैं, तो ये 2 लाख है, 2 लाख पे वैसे ज़कात बनती भी नहीं है। कंसिडर कर लो 10 लाख है हमारे पास, हमने ज़कात निकालनी है। तो ज़कात निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 2.5% ज़कात निकालनी है, 2.5% का मतलब आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 100 कर दो, ये फॉर्मूला होता है जिसके तहत आप ज़कात निकालते हो। तो अगर आपसे वो पूछे ज़कात तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं बोलना कि अच्छा ये होती है वो होती है, भाई आपको फिक्स बताना चाहिए, मैथ के स्टूडेंट हो। अच्छा इससे भी आसान तरीका है, अगर आप 2.5 को 100 से डिवाइड करो ना तो आंसर ये आता है 1/40। तो ज़कात की कैलकुलेशन और आसान कर सकते हैं हम, कैसे, जिस अमाउंट की आपने ज़कात निकालनी है ना उसको 40 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, कोई 2.5% का चक्कर ही नहीं है। अब यहाँ पे 10 लाख की निकालनी है, डिवाइड बाय 40 जो अमाउंट आएगी वो ज़कात आपकी बनती है। तो ज़कात निकालने की कैलकुलेशन बहुत आसान है, अगर आप थोड़ी बहुत मैथ सीख लो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। खैर तो पहली चीज तो आपने सीख ली कि परसेंट कैसे निकालना होता है। अब सवाल दो किस्म के होते हैं, क्योंकि ये जो मैथ है काइंड ऑफ ओ लेवल्स में बच्चे पढ़ते हैं, सिंध बोर्ड का कोई ताल्लुक ही नहीं है इस मैथ से, तो बच्चों की काफी वीक होती है, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। मना ये मैट्रिक की बातें, 9 मैट्रिक की, ये कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल की बातें नहीं है। कि एक चीज होती है कि आपको बोला जाए कि यार 50 का 5% निकालो, जैसे आपने 50 का यहाँ पे 5% निकाला था तो वो 2.5 हुआ था। एक सवाल ये होता है कि 50 का 5% निकालो और उसके बाद आंसर क्या आ रहा है, मतलब अब वो आपसे ऐड करने को बोल रहा है कि 50 का 5% क्या होता है, 2.5, और जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, 52.5। अभी तो अलग अलग सवाल होते हैं, जैसे अगर आप बैंक में जाते हो 1,000 रुपए आपने जमा करवाए हैं, बैंक आपको कहता है कि यार 10% हम प्रॉफिट देंगे आपको, सूद है वैसे, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो इसको, कि 1,000 रुपए हैं और आपको बैंक बोल रहा है कि हम 10% आपको प्रॉफिट देंगे एक साल पे, फॉर एग्जाम्पल, तो 1,000 का 10% क्या होता है, सिंपल 100 के बराबर होता है। तो एक साल बाद जब आप आओगे ना, अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और आपको 10% प्रॉफिट लगेगा और आपको 100 मिलेंगे, तो अब आपके बैंक में ना 1,100 रुपए पड़े होंगे, क्योंकि 1,000 तो पहले थे ना, 10% प्रॉफिट मिला, ऐड करोगे तो आपके बैंक में होंगे 1,100 रुपए। तो मैं यहां पे बताना क्या चाह रहा हूं, मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई एक अमाउंट है उस पे आपको बोला जाए कि इतने परसेंट वो इंक्रीज हुई है और इंक्रीज होने के बाद अमाउंट क्या है वो अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे, क्योंकि अगर आप 10% से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको जस्ट मिलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलेगी, आपको ऐड करना पड़ेगा इसको, तब आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, अगर बोला ना 10% प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे, 10% को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो ना तो 0.1 होता है, 10/100 क्या होता है, 0.1 होता है ना, आप इसके अंदर 1 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1.1। आप 1.1 को डायरेक्ट अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, 1,100 रुपए आ जाएगा। दोबारा बताता हूं, अगर आपको प्रॉफिट पता हो ना कि 10% प्रॉफिट मिलेगा और आप डायरेक्ट अमाउंट भी निकालना चाह रहे हो तो प्रॉफिट के बाद आपको अमाउंट क्या मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल 1,100, तो आप क्या करो, जितना प्रॉफिट है ना जितने परसेंट है पहले तो उसको डेसिमल में ले आओ, कैसे लाओगे, डिवाइड बाय 100 करके, जो भी डेसिमल में आया उसको 1 के अंदर ऐड कर दो, जो नंबर आपके पास आएगा ना उस नंबर से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपके पास जो आपकी अमाउंट है ना वो आ जाएगी,
आपको डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट लग के जो आपकी अमाउंट होगी वो मिल जाएगा आपको। ये दूसरी चीज है जो आपको आनी चाहिए, ये आई गेस अगले वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस सवाल के लिए काफी है। अब जरा सवाल पे आ जाते हैं, सवाल को आपने सॉल्व कैसे करना है, दो बातें बस आप लोगों को पता। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, अगर आप बुक पे आओ ना, यही एग्जाम्पल बुक वालों ने करवाई हुई है, वैल्यूज का फर्क है, सेम ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर टू पेज नंबर 143 पे बिल्कुल एंड पे, एग्जैक्ट यही बैक्टीरिया का सवाल है, इस पर उन्होंने बोला हुआ था 4 days, तो एन की वैल्यू उन्होंने 4 ली हुई है। आप लोग कहोगे सर सवाल में 4 days लिखा हुआ था, एन की वैल्यू भी 4 होगी, जैसे यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ 7 दिन, तो हम नंबर ऑफ डेज क्या है 7 है, तो हम एन की जगह 7 पुट कर देंगे, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फॉर्मूले में। अच्छा सबसे पहली बात निकालेंगे कैसे, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर आप जीपी यहाँ पे देखो ना, तो ये फर्स्ट टर्म है आपकी, आप इसको फर्स्ट टर्म कहोगे, इसको आप जनरल टर्म कहोगे, जनरल टर्म जो होती है काइंड ऑफ आखिरी टर्म जो होती है ना, ये स्टार्टिंग था और ये एंडिंग था, तो आखिरी टर्म को आप जनरल टर्म ले रहे होते हो, कल क्लास में ही बताया था कि लास्ट टर्म जनरल टर्म के मानों में आती है, तो इसको हम जनरल टर्म ले लेंगे। सवाल ये कि 7 क्या है, बच्चे कहते हैं 7 एन के बराबर है, नंबर ऑफ डेज कितने 7 है, और यहां से हम क्या करेंगे आर निकालेंगे, आर क्या होता है रेशो, जो यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज है कि रेगुलर आप किस अमाउंट को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कहेंगे सर आर आ जाएगा इस फॉर्मूले से। ये हमारा हमारी टेक्निक होगी सवाल को सॉल्व करने की। कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, कंफ्यूजन ये आती है कि अगर आप एन को 7 ले लो तो ये कंफ्यूजन है, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा ये मैंने पूरी चीज समझानी है, बुक में जो एग्जाम्पल सॉल्व हुई है उसमें 4 days लिखा हुआ है, तो उन्होंने एन की 4 लिया है, हालांकि कॉन्सेप्ट गलत है पूरा। अब ये नहीं बोला कि सर बुक से बुक में सही लिख, बुक का मतलब गलत कैसे हो सकता है, भाई गलत है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रटा नहीं मारोगे जो बुक ने लिखा हुआ है वो हम कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, और एग्जाम्पल नंबर 2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैं फालतू बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल देखिए मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाओ, 143 पे सवाल में लिखा हुआ था 6 years, जबकि उन्होंने नीचे एन 7 लिया हुआ था, देख लो पता चल जाएगा। तो मेन जो कॉन्सेप्ट उन्होंने एग्जाम्पल 1 पे लगाया वही कॉन्सेप्ट इन सवालों में भी लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको जरा समझो, जरा रियल समझ रहे हैं इस बात को ताकि समझने में आपको आसानी हो। ये बैक्टीरिया की तादाद थी 0 से, उन्होंने बोला था कि यहां से बैक्टीरिया भरना स्टार्ट हुआ ना, इनिशियल अमाउंट क्या थी 515000, ये आपकी इनिशियल थी, तो कंसिडर कर लो पहले दिन आपकी अमाउंट है, मतलब अभी आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, ये 0, जैसे होता है ना कि आपकी गाड़ी खड़ी भी है टाइम 0 के ऊपर, अभी चलना स्टार्ट नहीं किया, तो ये वो चीज है, ये पहली टर्म जो है ये इनिशियल है, अभी कोई दिन गुजरा नहीं है, इनिशियल अमाउंट है। जब एक दिन पूरा गुजर जाएगा तो इसकी अमाउंट कुछ और हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इसकी अमाउंट हम बी कर लेते हैं, ये है एक दिन बाद, जब एक दिन हो जाएगा ना, तो एक दिन बाद जो भी बैक्टीरिया में इंक्रीज हुआ होगा वो अमाउंट आप दूसरी टर्म बना दोगे। दोबारा बताता हूं कि यहां से आपने स्टार्ट किया था, पूरा एक दिन गुजरने के बाद जो बैक्टीरिया की तादाद होगी उसको मैंने बी से लिख दिया, ठीक हो गया। अब एक दिन के खत्म होने पे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया सुबह 9 बजे तक, मतलब आपका दिन जो है यार इस तरह कर लेते, रात को 12 बजे आपने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, अगली रात 12 तक एक दिन हो जाएगा, उस वक्त अमाउंट कितनी होगी बी के बराबर, ये इनिशियल थी, मतलब आज रात आपने स्टार्ट की ये अमाउंट थी, कल रात तक एक दिन गुजर गया और आपकी अमाउंट बैक्टीरिया की होगी, ये एक दिन गुजरा है आपको, फिर अगली रात मतलब जब दूसरा दिन पूरा गुजर जाएगा तो आपकी बैक्टीरिया की अमाउंट होगी, उसको मैं सी बोल देता हूं, ये है 2 दिन बाद। इसी तरह जब तीसरा दिन पूरा गुजर जाएगा तो आपके बैक्टीरिया की तादाद फॉर एग्जाम्पल डी होगी, तो 3 दिन के खत्म होने पे आपका बैक्टीरिया क्या होगा डी के बराबर होगा। इसी तरह 4 दिन के खत्म होने पे फॉर एग्जाम्पल ई के बराबर, 5 दिन खत्म होने पे एफ के बराबर, 6 दिन खत्म होने पे जी के बराबर। अब रही 7 days, जब 7वां दिन खत्म हो जाएगा तो उन्होंने बोला था कि बैक्टीरिया की तादाद क्या है, ये 7 days के बाद मतलब 7 दिन खत्म होने के बाद ये बैक्टीरिया की तादाद थी, मतलब 15450, ये 7 दिन के खत्म होने के लिए। तो अगर आप गौर से देखो ना, इस जीपी की 7 टर्म नहीं है, इस जीपी की 8 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन यहां पे आप 8 लोगे 7 ही लोगे, ये मैं कॉन्सेप्ट पूरा समझा रहा हूं। तो आप लोग कहोगे एन 8 कैसे आया, उसकी वजह क्या है, ये जो है ना ये फर्स्ट टर्म जो है ये किसी दिन के खत्म होने पे नहीं थी, देखो टोटल 7 दिन खत्म हुए तो 7 अमाउंट तो आपके पास होंगी, ये जो अमाउंट थी इनिशियल अमाउंट थी, जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट, आपने वो अमाउंट लिखी हुई है, एक्सपेरिमेंट जो असल स्टार्ट हुआ है ना वो सेकंड टर्म से हुआ है, कि 1 दिन के बाद ये अमाउंट थी, 2 दिन के बाद, 3 करते करते 7 दिन के बाद वो अमाउंट थी, तो ये जो है ना ये आपकी पहली टर्म है,
ये अभी एक्सपेरिमेंट तो स्टार्ट ही नहीं हुआ. एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट होगा तो 7 ट्रम आएंगी, और ये स्टार्ट होने से पहले 1 ट्रम, तो टोटल 8 ट्रम होगी यहाँ पे. तो दैट्स वाई इन सवालों में अगर एन 7 लिखा हुआ है, मतलब 60 डेज है, तो आप 8 लोगे, 4 डेज है तो 5 लोगे. तो बुक ने एग्जाम्पल गलत की है. ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. और हैरत की बात यह कि इसी कॉन्सेप्ट के तहत बुक ने इसका आंसर लिखा है. बुक में अगर आप आंसर देखोगे, इसी कॉन्सेप्ट के तहत बुक वालों ने आंसर लिखा है, जबकि एग्जाम्पल नंबर 2 में मिस्टेक की गई है. तो उसको ठीक भी कर लेना, इस कॉन्सेप्ट को भी देख लो. मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी एक आखिरी चीज है, उसके बाद कोई सवाल हो. तो कॉन्सेप्ट क्या है अगर आपको, अच्छा हर सवाल में लगता नहीं है, मेजोरिटी सवालों में लगता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसमें चीज नहीं लगती, वो आप लोगों की बुक में नहीं है, तो इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा. लेकिन कॉन्सेप्ट को जहन में रखो, जब वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना, तो उसको जरा खुद समझो, तो आपको मसला नहीं होगा. अगर आप रट्टा मान लोगे ना कि यार इन सवालों में तो अगर 7 है तो एन 8 होगा, तो मसला हो जाएगा. रट्टा नहीं मारो, समझो सवालों को. मैंने आप लोगों को सवाल को समझाया, ये पूरी एक्टिविटी की है ना. इस एक्टिविटी मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, अगर एन 7 आएगा तो 8 कर लेना उसको. मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि ये स्टार्टिंग आपने यहां से की है, उसके बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, अप टू 7 दिन बाद ये अमाउंट थी. तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको ये कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे इन चीजों को. एक सॉल्यूशन करवाने का तरीका होता है, ज्यादातर टीचर्स ये वाला सॉल्यूशन करवाएंगे जिसमें एन की वैल्यू 8 लेंगे. लेकिन इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी है. दूसरा सॉल्यूशन क्या है, और वो यहां पे फिटिंग बैठ नहीं सकता. वो पुरानी बुक थी, वहां पे काम करता था. उसमें हम क्या करते थे, हम इस वाली टर्म को ना ड्रॉप, हमें वहां पे दूसरी टर्म पता होती थी. जैसे अगर आप अभी देखोगे ना, आई गेस इसका अगला क्वेश्चन जो है, चलो मैं अगले क्वेश्चन में बता दूंगा. जब अगला क्वेश्चन आएगा ना, दूसरा तरीका मैं वहां पे बता दूंगा. पहला वाला तरीका जो है वो आपने देख लिया कि अगर एन 7 है तो आपने 1 ऐड करना होगा, तो टोटल 8 डेज होंगे. तो एन की वैल्यू आप 7 ही लोगे, एन की वैल्यू आप 8 लोगे. यही कंफ्यूजन है सवाल के अंदर, वरना सवाल कुछ भी नहीं, आप आसानी से कर लोगे. सही है, कुछ लेना सारा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सवाल सॉल्व करवाता हूं. सर अगर फर्स्ट टर्म जीरो हो जाए तो? यार फर्स्ट टर्म जीरो होती नहीं है. मैंने पहले दिन ही बोला था जीपी स्टार्ट करते हुए कि ज्योमेट्रिक के अंदर, अच्छा ये मैंने रीजन नहीं बताई इसकी वहां पे भी. अच्छा सवाल तुमने पूछा, ज्योमेट्रिक के अंदर जीरो हो नहीं सकता. अगर पहले टर्म आपने जीरो ले ली तो आपकी पूरी सीक्वेंस जीरो जीरो हो जाएगी, इसकी तो सेंस ही नहीं बनेगी कुछ. तो ये पहली बात ये कि फर्स्ट टर्म तो जीरो हो भी नहीं सकती, क्योंकि फिर उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट तो जीरो ही आएगा, और जीपी के अंदर आप मल्टीप्लाई कर रहे होते, ऐड नहीं करते. तो अरिथमेटिक के अंदर जीरो आ सकता है, लेकिन जीपी के अंदर नहीं आ सकता. तो पहली टर्म तो जीरो हो ही नहीं सकती. जब पहली टर्म आपकी जीरो नहीं हो सकती तो फिर जीरो कैसे आएगा, जीरो आपका आ ही नहीं सकता. डेफिनेशन में क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए, और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, आप जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो पहली टर्म जीरो नहीं है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो जीरो नहीं है, तो जीरो तो आ ही नहीं सकता, जीरो कैसे आएगा. अगर आप ऐड करते तो फिर जीरो आने के चांसेस थे. अगर आप नॉन जीरो नंबर को आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो तो आ ही नहीं सकता. दैट्स व्हाई ज्योमेट्रिक के अंदर आपको जीरो कहीं नजर नहीं आएगा. इसी तरह आप ये एक और पढ़ोगे हार्मोनिक, उसके अंदर भी जीरो नहीं आएगा. उसकी रीजन भी बता दूंगा मैं आपको. क्या वैल्यूज तो मुझे याद नहीं है इसके. सवाल नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है. अच्छा तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 515000. अच्छा यहाँ पे जो nth टर्म है, जो आखिरी टर्म या nth टर्म आप उसको कह लो, वो क्या थी, 1545000. अच्छा यहाँ पे दो नंबर्स के बाद लगाया हुआ है, यहाँ पे इधर लगा दो बेहतर है, 515000, और ये 1545000. तो फर्स्ट टर्म और nth टर्म आपको पता है. इसी तरीके से n यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 8 होगी. ठीक है, एक वर्डिंग लिख रहा हूं यहाँ पे, इसका मतलब आपको अगले क्वेश्चन में समझ आएगा. अभी आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या लिखा है, लेकिन अगले सवाल में आपको मतलब समझ आ जाएगा क्या मतलब बन रहा है. फिलहाल इसको मान लो, मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, अगर 7 डेज है तो 1 ऐड करके 8 आप करोगे. ठीक है, ये अगले सवाल में आपको बेहतर समझ आएगा. एन इज इक्वल टू 8 है, निकालना आपको क्या, आर. यहाँ पे बोला था ना रेट ऑफ इंक्रीज बताओ, तो रेट ऑफ इंक्रीज आर होता है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास जीबी चल रही है, मैं अगर आपसे पूछूं कि रेट ऑफ इंक्रीज क्या है आपको, तो आप बोलोगे 3, हर दिन 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया. तो उसका मतलब आर निकालना है आपको, कि आप किससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, क्या आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है. तो आर आपको निकालना है. आज जरा सॉल्यूशन के ऊपर
जनरेटर फॉर्मूला लिखो, ये जनरेटर फॉर्मूला हो गया, वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। फर्स्ट टर्म जो है वो 5,15,000 टाइम आर आपको नहीं पता, एन यहाँ पे 8 है, 8 - 1 7 होता है। सबसे पहले इस चीज को वहां जाके डिवाइड करवा दो, आई गेस ये 3,30,000 होगा, एक सेकेंड, 15,45,000 डिवाइडेड बाय 5,15,000, नहीं सॉरी 3 आ रहा है, ठीक है। जब आप 5 मंथ इस पूरी अमाउंट को जाके यहाँ पे डिवाइड कर दोगे ना, तो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे आर क्या है, ये हो जाएगा आर की पावर 7। अब आपको यहाँ पे आर निकालना, आर क्या हो जाएगा, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्वायर होता था तो आप स्क्वायर रूट लेते थे, अगर क्यूब होता था तो आप क्यूब रूट लेते थे, यहाँ पे 7 है तो इसका मतलब आप 7th रूट लोगे, 7th रूट लोगे इस तरफ भी, मतलब असल कॉन्सेप्ट ये होगा आप यहाँ पे भी 7th रूट लोगे, रूट के ऊपर छोटा सा 7 लिखा हो उसका 7th रूट कहते हैं, और इसी तरह 3 का भी आप 7th रूट लोगे, तो ये तो सिंपल आर हो जाएगा, और इस तरह भी आप लिख सकते हो या 3 की पावर 1/7 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, चाहो तो कैलकुलेटर से निकाल लेना, वरना मैं रिकमेंड करूंगा इसको ऐसे रहने देना। बुक में उन्होंने एक वर्डिंग लिखी हुई है, जैसे मुझे अभी याद है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर और 8 के अंदर भी आप इस चीज को लिख सकते हो, इस तरह के आर की जो वैल्यू आई हुई है ना इस सवाल में, इनको उन्होंने परसेंटेज की फॉर्म में लिखा था, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप देखो, आर की वैल्यू 2 आई थी, तो 2 को उन्होंने परसेंटेज में चेंज किया है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, डेसिमल से अगर आपने परसेंटेज में जाना तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तो लिखा हुआ था रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो 200% है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है ना फाइंड 3 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आपने रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, तो रेट ऑफ इंक्रीज अगर आप डेसिमल की फॉर्म में देखो तो ये है 3 की पावर 1/7, जिसको अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 1.17। तो ये रेट ऑफ इंक्रीज है लेकिन डेसिमल के अंदर बताया हुआ आपने, अगर आपने इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना तो उसका तरीका क्या होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ये हो जाएगा 117%, ठीक है। तो अगर आप आर लिखने के बाद, क्योंकि आर नॉर्मली आप डेसिमल में रखते हो, तो आर आप इसी तरह रहने देना और फिर लिख देना कि रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो रेट ऑफ इंक्रीज यहाँ पे कितना है, 117% रेट ऑफ इंक्रीज है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब वो रेट ऑफ इंक्रीज है आपका जो कि परसेंटेज की फॉर्म में होगा 117, मतलब 117%। तो चीज को ध्यान में रखना, इसी तरह ये सवाल मैं एडिटिंग के दौरान ना ये चीज पहले कर दूंगा ताकि ये चीज समझ आ जाए आप लोगों को, और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो इस सवाल में आर जो था ना वो 1.04 था, तो यहाँ पे अगर आपको बोले कि रेट ऑफ इंक्रीज कितना है आपके अमाउंट के अंदर, तो 104% हो जाएगा, अगर आप 1.04 को परसेंटेज ही कन्वर्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 104% बन जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके पास रेट ऑफ इंक्रीज है ना वो 104% है। अच्छा बच्चों में ये भी कंफ्यूजन आ सकती है कि मतलब आपने पढ़ा था ना कि 4% इंक्रीज हो रहा है, जबकि अभी मैंने बोला है कि यार इसके अंदर 104% रेट ऑफ इंक्रीज होगा, तो एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि 4% सवाल कह रहा है कि प्रॉफिट आपको मिल रहा है 4% इंक्रीज हो रहा है, और एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो आर है वो क्या है 104% है। अब देखो दोनों का मतलब अलग है, 4% का मतलब था कि जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है ना उसका 4% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे 1000 का 4% 40 है, तो आप बोलोगे जो 40 है वो 4% है 1000 का। ये 104% का जो मतलब है ना उसका मतलब ये कि जो प्रॉफिट लगने के बाद जो आपकी अमाउंट थी वो अमाउंट 104% है ओरिजिनल अमाउंट के, जैसे 1000 के अंदर अगर 4% प्रॉफिट लगा के जो आपके पास अमाउंट आएगी वो होगी 1040, ठीक है। तो अगर आप 1040 की बात करोगे तो आप ये बात बोलोगे कि 1040 जो है ना वो 104% है ओरिजिनल अमाउंट के। तो ये 4% का वर्ड होता है मालूम करने के लिए कि कितना इंक्रीज होगा, जैसे 1000 का 4% 40, मतलब 40 इंक्रीज होगा, ठीक है। जबकि 104 का मतलब है कि जो जीपी होती है ना उसमें आप 104% प्रेफर करते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप 1000 का 104% निकालो तो ये चीज आएगी, निकाल के देख लेना, सही। तो जो आप 104 वाली बात बोलते हो वो आप फाइनल अमाउंट के रेस्पेक्ट से बोलते हो, कि जो फाइनल अमाउंट आपकी होगी ना प्रॉफिट लगने के बाद वो अमाउंट जो है वो 104% है ओरिजिनल अमाउंट के, और 4% जब आप बोलते हो तो वो जस्ट आप प्रॉफिट की बात कर रहे होते हो कि 40 आपको प्रॉफिट मिला है जो कि ओरिजिनल अमाउंट के 4% है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप 8 में लिखा हुआ है फाइंड द प्रॉफिट ऑन 1000 रुपीज
फॉर 5 ईयर्स. अगेन वही 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं और लिखा हुआ है कि 5 सालों के लिए आपने इन्वेस्ट किए हैं एट 4% पर एनम. एनम का मतलब होता है साल, पर एनम का मतलब पर ईयर्स, कंपाउंड प्रॉफिट. अच्छा देखो, दो किस्म के प्रॉफिट होते हैं. एक तो होता है 1000, 5 ईयर्स, 4%. एक तो होता है क्या कहते हैं सिंपल प्रॉफिट, एक होता है कंपाउंड प्रॉफिट. सिंपल प्रॉफिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और बैंक आपको कहता है कि यार आपको हर साल 10% प्रॉफिट मिलेगा, तो जो आपको 10% प्रॉफिट मिलेगा ना वो आपके ओरिजिनल अमाउंट पे मिलेगा. जैसे इनिशियली आपने इन्वेस्ट कर ली है, एक साल बाद आपको अमाउंट कितनी मिलेगी, आपको अमाउंट मिलेगी 1100. कैसे, क्योंकि 100 का 10% क्या होता है 100 होता है, तो 100 प्लस 100 1100. एक साल खत्म होने के बाद आपको अमाउंट मिलेगी 1100. दूसरा साल खत्म होने के बाद आपको अमाउंट मिलेगी 1200. क्यों, अगेन 1000 का 10% क्या होता है 100 होता है, 1100 में 100 ऐड करो 1200, फिर अगले साल 1300, उससे अगले साल 1400. तो इसको आप कहते हो सिंपल प्रॉफिट, जब आपको प्रॉफिट आपके ओरिजिनल अमाउंट पे मिले. 10% इसका निकाल रहे हो हर दफा, इसका 10% 100 होता है, तो हर टर्म में 100 ऐड करते जा रहे हो, इसको आप कहोगे सिंपल प्रॉफिट. कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, कंपाउंड प्रॉफिट ये होता है कि जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना वो आपके ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा उस अमाउंट पे जो साल के स्टार्ट में थी. क्या मतलब इसका, आप बैंक में गए हो, आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, ये साल के स्टार्ट में 1000 रुपए, साल के एंड पे जब आपको 10% मिलेगा तो इस अमाउंट पे मिलेगा, क्योंकि साल के स्टार्ट में ये वाले अमाउंट आपने इन्वेस्ट की थी ना, तो एक साल बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो इसके 10% मिलेगा, तो आपका अमाउंट 1100 ही मिलेगी. अभी तक तो कोई फर्क नहीं है. अब देखो, पहला साल जब खत्म होगा ना तो आपके पास अमाउंट होगी 1100, तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे आपकी यही अमाउंट होगी, मतलब जो सेकंड ईयर स्टार्ट होगा तो आपकी अमाउंट होगी, तो सेकंड ईयर के जब एंड होगा ना तो अब जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आपको इस अमाउंट पे मिलेगा, आपको इस अमाउंट का 10% नहीं मिलेगा, आपको इस अमाउंट का 10% मिलेगा. और जब 1100 का 10% निकालोगे ना तो वो 110 आएगा, इसके अंदर 110 ऐड करो अब आपको मिलेंगे 1210 रुपए. फर्क समझो जरा दोनों चीजों में. इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा था आपकी ओरिजिनल अमाउंट पे जो आपने शुरू में कभी इन्वेस्ट की थी, जबकि इसमें आपको प्रॉफिट मिलता है जो साल के स्टार्ट में आपके अमाउंट है उस पर प्रॉफिट आपको मिलता है. तो सेकंड ईयर जो दूसरा साल जब आपका खत्म होगा तो आपको ये अमाउंट मिलेगी, तो तीसरे साल के स्टार्ट पे आपकी अमाउंट होगी, तीसरे साल के स्टार्ट पे आपकी अमाउंट होगी. फिर जब तीसरा साल पूरा गुजर जाएगा आपको प्रॉफिट मिलेगा इसके 10% पे, इसका 10% निकालोगे तो इसका 10% आएगा 121. तो अब आपको अमाउंट मिलेगी, कंसिडर कर लो 1331, अभी आपको अमाउंट मिलेगी. तो आप इसमें आपको अमाउंट मिलेगी 1300. तो आप देखो कंपाउंड प्रॉफिट में आपको ज्यादा अमाउंट मिलती है, क्योंकि जो प्रॉफिट लगता है सिंपल में वो 1000 पे लगता है आपके ओरिजिनल अमाउंट पे, जबकि कंपाउंड में जो प्रॉफिट आपका लगता है ना वो हर अगली वैल्यू पे लगता जाता है. तो दैट्स व्हाई कंपाउंड प्रॉफिट में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है. जैसे कंपाउंड प्रॉफिट होता है ना, इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है. जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर अगर आपसे लिया जाए ना तो अमाउंट बहुत बढ़ जाती है. ये तो प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा अगर आप लोन लोगे और हर दफा वो बोलेगा कि 10% लोन मैं लूंगा आपसे, तो उसमें भी आप फंस जाओगे. खैर, तो ये सिंपल प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट में फर्क होता है. तो जो सिंपल प्रॉफिट है ना वो जीपी नहीं होती, कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो जीपी होती है. क्योंकि अगर आप इसमें देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो तो सिंपल एक अरिथमेटिक है, आप हर टर्म में 100 ऐड करते जा रहे हो, तो ये अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक तो नहीं है. जबकि ये जो है ये ज्योमेट्रिक है. कैसे, हर टर्म कैसे आ रही है, अगर आपको बोला जा रहा है कि 10% प्रॉफिट है तो अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसको डेसिमल में लाओ, डेसिमल में 0.1 बनेगा. जब प्रॉफिट की बात की जाती है तो 1 में आप ऐड कर दोगे, तो 1 प्लस 0.1 1.1, इसका मतलब हर टर्म को आप 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो. इस टर्म को 1.1 से मल्टीप्लाई करो ये आएगी, इसको 1.1 से करो ये आएगी, इसको 1.1 से करो ये आएगी. तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट, जब कंपाउंड प्रॉफिट आपको लगता है ना, तो वो जो सीक्वेंस पूरी बन रही होती है वो ज्योमेट्रिक होती है, क्योंकि उसमें आप इस आर को मल्टीप्लाई करते जा रहे होते हैं. ठीक है, क्योंकि जो सिंपल है उसमें आप मल्टीप्लाई नहीं करते, आपको प्रॉफिट 100 मिलेगा, अब हर टर्म में 100 ऐड करते जाओ, दैट्स इट, मल्टीप्लाई करने का कोई चक्कर नहीं होता. तो सिंपल प्रॉफिट अरिथमेटिक, और जो ज्योमेट्रिक है वो कंपाउंड प्रॉफिट होता है. अब यहाँ पे जरा सवाल पे आ जाओ, फिर मैं ये चीज भी समझाता हूँ. अब यहाँ पे बोला था कि आपने इन्वेस्ट किए 1000 रुपए, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 1000 रुपए, इतने आपने इन्वेस्ट किए थे. ठीक है, रही बात प्रॉफिट की, प्रॉफिट निकालते हैं,
या प्रॉफिट किसको कहते हैं, आर ही कहते हैं इसको। आर निकालने का फॉर्मूला यहां भी ये है, क्योंकि देखो मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट दे दिया था कि अगर आप किसी अमाउंट का 10% यहां पे, सॉरी प्रॉफिट 4% था ना, तो ये 4 होगा, तो जाएगा 0.04, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 1.04। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही कॉन्सेप्ट दिया था कि जितना प्रॉफिट आपको मिलता है ना वो आपका आर नहीं होता। जैसे यहां पे बोला हुआ है 4%, तो आर आपका 4% नहीं है, क्योंकि आर को आप मल्टीप्लाई करते हो ना, 4% का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको जस्ट प्रॉफिट मिलेगा, आपको अपनी अमाउंट नहीं मिलेगी। जैसे मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा 4% से, तो 1000 का 4% क्या होगा, 40 होगा आई गेस। तो इसको अगर मैं 4% से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 40 मिलेगा, मुझे अपनी अमाउंट नहीं मिलेगी। अमाउंट तो मेरी 1040 होगी ना, 1000 के अंदर 40 ऐड करो तो 1040। तो कहने का मतलब आर वो चीज होती है जो आप मल्टीप्लाई करके अगली टर्म आती है। यहां पे अगर आपने 4% को आर ले लिया ना, तो अगली टर्म आपको मिलेगी नहीं। आप इसको 4% से मल्टीप्लाई करोगे, अगली टर्म नहीं मिलेगी, आपको जस्ट प्रॉफिट मिल रहा होगा। दैट्स व्हाई आर आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट को ऐड करोगे वन के अंदर। और कोई सवाल आपकी बुक में ऐसा है नहीं, किसी सवाल में आपको लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कार परचेज की थी, वो डीवैल्यू होती जा रही है, शुरू में उसकी कीमत 1000 रुपए थी, अब ये समझ लो हर साल 4% उसके अमाउंट कम होती जा रही है, तो वहां पे आर कैसे निकालोगे, 1 में से माइनस कर दोगे, क्योंकि वहां पे आपको लॉस हो रहा है, आपने नीचे जाना है, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो आपने ऊपर जाना है, आप 4% को ऐड कर दोगे 1 के। ये थोड़ा बहुत फर्क है, इसको ध्यान में रखो। 4% को डेसिमल में लाना तो आपको पता है, 4 को डिवाइड करो 100 से तो 0.04 आ जाएगा, उसको 1 के अंदर ऐड कर दो तो 1.0, इस तरीके से सॉल्व करो, तो ये आपके पास आर आ गया। अब अगेन वही बात, एन यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने बोला था 4 साल के लिए, नहीं 5 साल के लिए, तो एन यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, जितना उन्होंने बोला है उससे एक ज्यादा, 5 साल बोला था तो 6 साल, ठीक है। और ब्रैकेट में अगेन मैं वही लिख रहा हूं कि वी कंसीडर 1000 एज फर्स्ट टर्म। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे दो मेथड जो मैं लास्ट क्लास में, बस आखिरी सवाल है, बस इसको समझ लो तो आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट है। मैंने कहा था दो कॉन्सेप्ट होते हैं अगेन, यहाँ पे दो किस्म के बन सकते हैं। एक तो पहले इसका मतलब देख लो, एन इज इक्वल टू 6 कैसे हो गया, जरा इसको टेक्निकल तौर पर समझते हैं कि 1000 रुपए मैंने, और 4% के बजाय हम 10% लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ये 1000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे, ये साल का स्टार्ट है, जरा समझो कि जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो अभी 0 डेज है, 0 पे हो आप, पूरा 1 साल गुजरता है। ये साल के स्टार्ट पे फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को आपने अमाउंट इन्वेस्ट की बैंक में जाके, कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, ये 1 जनवरी फॉर एग्जाम्पल 2023, ये आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया 1000 रुपए। पूरा साल गुजरेगा, साल का एंड आएगा, साल का एंड 31 दिसंबर या अगले साल का स्टार्ट, एक ही बात है, इस साल का एंड अगले साल का स्टार्ट एक ही बात होगी ना। तो 1 जनवरी को आपकी अमाउंट थी, पूरा साल गुजर गया, अगली 1 जनवरी 2024 जो है उस पे आपकी अमाउंट कितनी होगी, 1100 रुपए, ये होगी ना, 1 साल गुजरने के बाद आपकी अमाउंट है 1100 रुपए। इसी तरीके से जब पूरा दूसरा साल गुजर जाएगा तो आपकी अमाउंट क्या होगी, मतलब 1 जनवरी 2025 पे आपकी अमाउंट क्या होगी, 1210। ये दूसरे साल के एंड पे है, आप इसको बोलोगे दूसरे साल के एंड पे या तीसरे साल के स्टार्ट पे। फिर ये तीसरा साल का एंड होगा, फिर चौथा साल का एंड, फिर पांचवा साल का एंड। अब जरा गौर से समझना, ये इनिशियल अमाउंट थी, पहले साल के एंड पे अमाउंट थी, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे, चौथे साल के एंड पे और पांचवे साल के एंड पे। तो अगर आप यहां पे काउंट करो तो टोटल 6 टर्म बनेगी, 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि ये तो इनिशियल है ना, ये तो आपकी स्टार्टिंग में थी, इसके बाद 5 दफा लगेगी, क्योंकि 5 साल है ना, तो 5 साल प्रॉफिट लगेगा, पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, तो 5 तो वो होंगे और ये इनिशियल आपकी अमाउंट थी, तो टोटल आपके पास इस जीपी के अंदर 6 टर्म्स होंगी। तो जो बिल्कुल आखिरी टर्म होगी ना वो आपकी अमाउंट होगी 5 साल बाद, वो आपकी अमाउंट मानी जाएगी, ठीक है। तो 5 साल बाद अगर आपने अमाउंट मालूम करनी है तो इस जीपी की जो 6ठी टर्म होगी ना वो 5 साल बाद की अमाउंट होगी। अब एक तरीका सॉल्व करने का इसको इस तरह होता है, दूसरा तरीका सॉल्व करने का ये होता है, जो टीचर्स अगर करवाएंगे तो वो कहेंगे कि फर्स्ट टर्म को ड्रॉप कर दो और डायरेक्ट आप स्टार्ट करो कि 1 साल के बाद कितना प्रॉफिट हुआ था, तो 1 साल के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ था, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद, चौथे साल के बाद, 5 साल के बाद। अब अगर आप देखो जीपी की 5 ही टर्म है, अब आप N5 लोगे, तो
तो फर्क क्या है? फर्क है फर्स्ट टर्म लेने का। पिछले वाले मेथड में मैंने फर्स्ट टर्म लिया था 1000 को, तो जीपी की छठी टर्म जो है वो मुझे बताएगी कि 5 साल के बाद प्रॉफिट क्या था। और इस वाले मेथड में फर्स्ट टर्म मैंने किसको लिया, 1100 को, तो अब इसकी जो पांचवी टर्म है वो मुझे बताएगी 5 साल बाद क्या प्रॉफिट है। तो ये दो मेथड है, अगर आप जिस भी चीज को पकड़ोगे दोनों आपको सही आंसर देंगे। पहले वाले जीपी में आखिरी टर्म छठी थी, इस वाले जीपी में आखिरी टर्म पांचवी है। दैट्स व्हाई मैं ब्रैकेट में क्या लिखता था, वी कंसीडर 1000 एज फर्स्ट टर्म। मैं बताता था कि मैं ये पहला वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, मैं 1000 को यहाँ पे फर्स्ट टर्म कंसीडर कर रहा हूँ। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी कि हमने इस वाले टर्म को, जो इनिशियल आपकी अमाउंट थी, इनिशियल अमाउंट को मैंने फर्स्ट टर्म लिया, तो इनिशियल अमाउंट को साइड पे कर दो, बाकी हमारे पास 7 साल थे, तो 7 साल में 7 अमाउंट होंगी, 7 प्लस जो इनिशियल थी 8। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये इनिशियल बिल्कुल आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसको मैंने साइड पे कर दिया, 5 साल में 5 अमाउंट, तो 5 अमाउंट प्लस ये वाली 6। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आमतौर पर बच्चों को फंसता है, मैंने कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब वक्त आ गए यहाँ पे क्या निकालने का। उन्होंने बोला था कि आपकी क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट को आप छोड़ो, सबसे पहले आप निकालो कि आपकी अमाउंट कितनी होगी। आपने इन्वेस्ट की थी 1000, जरा मालूम करो बिल्कुल 5 साल बाद आपकी अमाउंट क्या थी, वो जरा मालूम करते हैं। तो मतलब आपको जनरल टर्म निकालनी है, एएम निकालना है, जरा मालूम करते हैं आप कि 5 साल बाद आपकी अमाउंट क्या थी। तो मालूम करने का प्रोसीजर बच्चों वही होगा जैसे आप लोग पहले मालूम करते हो जीपी को सवाल करके। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1000 है, कॉमन रेशियो यहाँ पे 1.04 है और एन यहाँ पे 6 है। 1000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.04 की पावर 5 से। तो आंसर आ रहा है 1216.65। एन की वैल्यू यहां पे क्या थी, एन की वैल्यू आपने 6 ली थी ना। तो कहने का मतलब इस जीपी के जो छठी टर्म आपको मिल रही है ना, ये बेसिकली वो अमाउंट है जो 5 साल बाद होगी। 5 साल बाद आपके बैंक में ये वाली अमाउंट होगी 1216.65। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं निकालना था कि 5 साल बाद आपकी अमाउंट कितनी होगी, आपको निकालना था कि 5 साल में आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। लिखा हुआ था फाइंड द प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट मालूम करना है, आपको अमाउंट ही नहीं मालूम करनी कि 5 साल बाद आपकी अमाउंट कितनी थी। तो प्रॉफिट कैसे आता है, जो इनिशियल आपकी अमाउंट थी माइनस, मतलब फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट, तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है। तो अगर आपने प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा इनिशियल, सॉरी फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट, मतलब 1216.65 माइनस 1000। तो ये आंसर आएगा 216.65। इसका मतलब जो आपको प्रॉफिट मिला है ना, वो 216.65 का प्रॉफिट मिला है। तो ये आपको समय निकालना है। जरा देख लो पेपर में आपसे पूछ क्या रहे हैं, क्या वो अमाउंट आपसे पूछ रहे हैं कि 5 साल बाद अमाउंट कितनी होगी, या वो आपसे पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट आपको कितना मिला। दोनों चीजों में फर्क है, जरा चेक कर लेना ये। ठीक है, कोई सवाल है यहाँ तो पूछ लो। सर ये आर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा फिर से दें। देखो आर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने डिपेंड, फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ, जब आप जीपी बनाते हो ना तो आप लिखते हो अमाउंट कितनी है आपकी। तो पहले जब इनिशियल आप गए थे 1000, अब आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि जो 4% है ना सर वो आर है। तो अगर 4% आप आर को लोगे तो फंस जाओगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि मैं आर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करते जाते हो ना, तो आप हर टर्म को 4% से मल्टीप्लाई करो। 4% डेफिनेटली डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 4% डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 0.04 आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.04 से तो 40 आएगा ना, आई गेस, मैं कंफर्म कर लेता हूं। हाँ 40 आ रहा है। तो ये क्या जीबी बन रही है आपकी, जीबी तो आपकी फ्लॉप हो जाएगी। अगर आप आर यहां पे 4% को ले लोगे तो जीबी तो आपकी फ्लॉप हो गई। क्यों, 1000 के बाद क्या आपकी अमाउंट 40 होगी, आपकी अमाउंट 40 तो होगी नहीं। आपकी ये जो 40 है ये प्रॉफिट है जो आपको मिला, आपकी अमाउंट क्या होगी 1000 प्लस 40। तो यहां पे असल में आपकी अमाउंट क्या होनी चाहिए थी, 1040, क्योंकि आप असल में जो जीपी बना रहे हो वो जीपी के अंदर जो टर्म्स है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी बैंक में अमाउंट की, कि स्टार्टिंग में अमाउंट जीरो थी, 1 साल बाद इतनी हुई, 2 साल बाद इतनी हुई।
तो अगर आर यहाँ पे आप 4% ले लोगे ना, तो वो 4% जो है वो आर नहीं होगा, वरना आपको फिर टर्म ही नहीं मिलेगी। तो आर के अंदर वन में क्यों ऐड करता हूं, उसकी वजह ये है कि वन का मतलब जब आप थाउजेंड को वन से मल्टीप्लाई, मतलब वन का मतलब थाउजेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये समझ लो वन मतलब थाउजेंड के, वन तो मतलब इसको इस तरह समझो कि थाउजेंड तो आपके बैंक में अमाउंट रखी हुई है ना, तो इसमें वन रिप्रेजेंट कर रहा है थाउजेंड को, थाउजेंड तो आपके पास पड़ा है। अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 40, तो अब आपके टोटल अमाउंट कितनी होगी 1040, इसको आप इस तरह समझो, ठीक है। तो यहां पे मैं दो काम एक साथ कर रहा हूं, वन मतलब आर जो है ना, मैं इस पूरी चीज को आर ले रहा हूं, क्योंकि वन जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा थाउजेंड से तो थाउजेंड आ जाएगा, और 4% जब मल्टीप्लाई होगा थाउजेंड से तो 40 आएगा, तो मेरे पास अब अमाउंट कितनी हो जाएगी 1040। That's why मैं R के अंदर 1 ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट के अंदर आपने प्रॉफिट ऐड करना है ना, तो ओरिजिनल अमाउंट रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, जब 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल अमाउंट आएगी ना, और उसके अंदर आप ऐड करोगे जितना आपको प्रॉफिट मिला है, तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगी क्या है वो। सर एक सवाल का आंसर ठीक नहीं आ रहा था, काइंडली वो करवा दें। किसका सवाल? इनका पार्ट 3। किसका पार्ट 3? 1 का सर। क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 4.5 का? जी सर। यस सर। तो और बुक में तुम देखोगे, बुक में आंसर आ रहा होगा √2/16 आई गेस, तो बच्चे कहेंगे इन दोनों आंसर में फर्क है, फर्क नहीं है, बुक ने कॉन्सेप्ट यूज किया है, कॉन्सेप्ट ये है कि √2/11 है ना, तो आप इसको इस तरह समझो, √2 को सेपरेट करो, आप √2/10 करो और मल्टीप्लाई √2/1, अलग अलग कर दिया मैंने, 11 पावर थी तो मैंने 10 और 1 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब सवाल ये √2/10 क्या होती है, इसको जरा समझते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो √2 का मतलब 2/1/2, और अगर आप इसकी पावर 10 लोगे तो क्या होगा, 10 को कैंसिल करो यहाँ पे 5 बच जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा 2/5 जो कि 32 के बराबर होती है। तो कहने का मतलब √2/10 क्या होती है, सिंपल 32, तो ये पूरी चीज इसके बराबर होगी, इसके जगह आप लिख सकते हो 32 को जब आप डिवाइड करोगे 512 से, तो 16 टाइम्स 512 होता है, जब आप कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 32/512 होता है 1/16, तो पीछे √2 बन जाएगा, तो वही बुक का आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर भी ठीक है, बुक का आंसर भी ठीक है, बुक ने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है।